जी मैम। हेलो जी, जो जो सरोज जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल नहीं पाती हैं। आप पैरों की बात कर रही हैं, पैर के गट्ठों की? हाँ, पैरों पैरों की कर रही है जी। चलने में बहुत दिक्कत हो रही, चला नहीं जा रहा। देखिए सरोज जी, ये रोग तकरीबन हर शख्स को अब होने लगा है, तो क्या इलाज नहीं किया होगा आपने अभी तक, मैं समझ सकता हूँ। और आपकी आवाज़ और अंदाज से लग रहा है कि कितनी तकलीफ में हैं आप। देखिए, दुनिया में दो इलाज हैं, एक तो ये कि आपने इंग्लिश दवा ली, खाया और थोड़ी देर को फ़ायदा हो गया, और एक यूनानी आयुर्वेदिक दवा है जो खाएंगे, फ़ायदा देर में होता है लेकिन रोग से निवारण मुमकिन है। तो ज़रूरत पड़े तो आप एलोपैथिक लेते रहें। गौंदस्या एक यूनानी यानी आयुर्वेदिक गौंद है, एक रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है ये। अगर आपको असली मिल जाए, नकली बहुत मिलती है, तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना शुरू करें, नाश्ते और खाने के बाद। गौंदस्या हम कहते हैं, इसे काला गौंद भी कह सकते हैं, लेकिन बेशुमार नकली लोग बेच रहे हैं, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। और ये ऐसा है कि 15-16 रुपए का एक ग्राम आ जाता है, जो आधा आधा ग्राम पूरे दिन में दो बार खाना पड़ता है खाने के बाद, असली लेना शर्त है। और ये 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपके रोग के लिए काफ़ी होना चाहिए। असली लेने की कोशिश करें और याद रखें, अगर ये आप शुरू करें, वैसे भी नहीं भी शुरू करें तो वेस्टर्न टॉयलेट, एक कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें। आप मेहनती लग रही हैं मुझे अपनी अंदाज से और बात से, मेहनत छोड़ दें। झाड़ू पोछा नहीं करना है, वज़न नहीं उठाना है और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी।